देखो आज हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो इसके अंदर बात करेंगे मैक्रोफेजीज, ये डायग्राम है, मैक्रोफेजीज हैं ये। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और बी लिम्फोसाइट डेंड्रिटिक सेल्स। तो ये लिम्फोसाइट और लिम्फोकाइंस हैं, और ये लिम्फोकाइंस आगे बात करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की। तो इसके अंदर आ जाएंगे मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो आगे बात करते हैं MHC1 एंड MHC2। MHC1 के अंदर क्या आएगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और MHC2 के अंदर क्या होगा, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेंगे। MHC1 के अंदर साइटोकाइन टी सेल एक्टिवेट होंगे, और MHC2 के अंदर टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होंगे। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो टी सेल्स आर फोर टाइप्स, टी सेल की फोर टाइप्स हैं, साइटोकाइन टी सेल्स, टी सप्रेसर सेल, टी हेल्पर सेल, टी मेमोरी सेल्स। ठीक है, टी हेल्पर सेल लिम्फोकाइंस रिलीज करते हैं Ib1L2, TC एंड T3। ठीक है ना, तो ये 4, 5, 6 बी लिम्फोसाइट्स प्रोलिफ्रेशन होगी। एंड फंक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा बी सेल प्रोलिफ्रेशन एंड ग्रोथ, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स, एंड को ये टी सेल्स और टी सप्रेसर सेल को ये प्रोलिफ्रेट करेंगे एंड उसकी ग्रोथ करेंगे। एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। एंड फंक्शन के अंदर बात करते हैं, इसके अंदर आ जाएगा मैक्रोफेजिस। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इसके अंदर किलर सेल आ जाएंगी। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं टी हेल्पर सेल एंड साइटोकाइन्स टी सेल्स। टी हेल्पर सेल की बात करते हैं, इसके अंदर आ जाएगा CD4 सेल्स एंड MHC2 एंड मास्टर रेगुलेटर्स एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। साइटोटॉक्सिक टी सेल के अंदर आ जाएगा CD8 सेल आएंगे, और MH1 आएगा एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगा। रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे लोकल फैक्टर एंटीजन। तो लोकल फैक्टर एंटीजन के अंदर आएगा ह्यूमरल इम्यूनिटी आ जाएगा और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आ जाएगा, जैसे कहेंगे सप्रेसर टी सेल। जेनेटिक फैक्टर आएंगे, हार्मोनल फैक्ट्स आएंगे, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आएगा, एस्ट्रोजन आ गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, ये सारा कुछ आएगा। और ये स्टिमुलेट क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे, थोरॉक्सिन T4 को स्टिमुलेट करेंगे एंड इंसुलिन को ये स्टिमुलेट करेंगे। आगे बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या आएगा, डायबिटीज मेलिटस Type 1 एंड मिस्थेनिया ग्रेविस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड हाशिमोटो डिजीज, ग्रेव डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एंड रूमेटिक फीवर आ जाएगा, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाएगा, एंड SLD आ जाएगा। तो एलर्जी की बात करते हैं, तो एलर्जी दो तरह की होगी, एक होगी एक्टिवेटेड टी सेल, एक होगा एक्सेस IgE एंटीबॉडी। तो एक्टिवेटेड टी सेल के अंदर क्या होगा, डिलेड रिएक्शन एलर्जी होगी। डिलेड रिएक्शन एलर्जी क्या करेगी, आगे से IV पॉइजन्स करेगी। ठीक, IV पॉइजन्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक्सेसिव IgE एंटीबॉडी ये टॉपिकल एलर्जी होगी। एटॉपिकल एलर्जी क्या होगी, एनाफिलेक्सिस करेगा और यूट्रोकोरिया करेगा, एंड हेयर फीवर आ जाएगा, इसके अंदर अस्थमा एलर्जी वगैरह की कंडीशन वगैरह आ जाएगी। तो स्लो रिएक्शन सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हिस्टामिन और हेपरिन एंड असिनोफिल कीमोटॉक्सिक फैक्टर वगैरह आएंगे, न्यूट्रोफिल कीमोटॉक्सिक फैक्टर। इसके अंदर आएंगे सीनोफिल कीमोटॉक्सिक फैक्टर एंड दूसरे के अंदर आएंगे न्यूट्रोफिल कीमोटॉक्सिक फैक्टर आएंगे। न्यूट्रोफिल है ये, मैक्रोफेज है। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं वैस्कुलर सिस्टम की। तो इसके अंदर हिस्टामिन वगैरह आ जाएंगे, हिस्टामिन के अंदर क्या आएंगे, वैसो डायलेशन होगी, वैसल की डायलेशन हो जाएगी एंड परमिबिलिटी हो जाएगी, एंड फ्लूड लॉस होगा और स्पैज्म ब्रोंक्यूल्स अस्थमा, जो अस्थमा ब्रोंक्यूल्स होंगे ना, ब्रोंकाई, उसके अंदर क्या होगा, अस्थमा वगैरह हो जाएगा, दमा की कंडीशन वगैरह आ जाएगी, एलर्जिक सिचुएशन वगैरह आ जाएगी, और शॉक डेथ जैसे कहेंगे वो हो जाएगा, वो कंडीशन हो जाएगी शॉक डेथ। एनाफिलैक्सिस, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस। ये एनाफिलैक्सिस क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जैसे एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन कहते हैं। स्किन एलर्जेंस, रेड फ्लेयर हो जाएंगे,
हाइव्स दाने वगैरह मुंह के ऊपर निकल आएंगे स्किन के ऊपर। और यूट्रिक यूट्रिकिया कहेंगे ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है, एंटी हिस्टामिक ड्रग है ये। हे फीवर की बात करते हैं, ये नोज वगैरह में होगा, वाटरी नोज, स्नीजिंग, छींकी वगैरह आएंगे बार बार। अस्थमा, ब्रोंक्यूल्स ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस नहीं लिया जाएगा, बहुत मुश्किल होगी, प्रॉब्लम होगी। एंड ल्यूकोट्रींस वगैरह आ जाएंगे। तो ग्राफ्ट की बात करते हैं, इसके अंदर ऑटोग्राफ्ट आएगा, आइसोग्राफ्ट आएगा, ऑलियोग्राफ्ट एंड जियोग्राफ्ट वगैरह आएगा। जेनेटिकली डिफरेंट होगा, इसके अंदर स्पेशल डिफरेंट होगा। तो ग्राफ्ट की बात करते हैं, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा होस्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स, अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, HLA-1। तो इम्यून कम्प्रोमाइज, BH ट्रांसपोर्ट, HLP-2 आ जाएगा। साइटोटॉक्सिन जो होगा वो कन्वर्ट होगा टिश्यू वायरस एंड ट्रांसप्लांट सेल में, कैंसर सेल में। तो नॉर्मल सेल जो होगा वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होगा, वो आगे से सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, ट्यूमर एंटीजन, वो ट्यूमर एंटीजन जो होगा नॉन सेल्फ होगा, वो इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस होगा, वो CD8 में कन्वर्ट हो जाएगा। CD8 पॉजिटिव एंड मैक्रोफेजिस एंड नेचुरल किलर सेल हो जाएंगे। डाइजार्ड सिंड्रोम, डाइजार्ड सिंड्रोम इज अ कंडीशन प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ डेट कैन कॉज अ रेंज ऑफ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम इंक्लूडिंग हार्ट डिफेक्ट एंड हियरिंग डिफिकल्टीज। ये एक तरह का डाइजार्ड सिंड्रोम है, ये एक तरह कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा, बर्थ के अंदर कॉज करेगा द रेंज ऑफ लाइफ लॉन्ग, ठीक, प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाएगी, इंक्लूडिंग हार्ट डिफेक्ट, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर डिफेक्ट वगैरह आ जाएंगे, एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम वगैरह आएंगी, उसे कहेंगे डाइजार्ड सिंड्रोम। तो आगे बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज अ प्रोवाइड व्हेन अ पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज टू द डिजीज। ये कहता है कि पैसिव इम्यूनिटी तरह की इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी इज अ प्रोवाइड करेंगे पर्सन को एंटीबॉडीज। हम इसमें हम क्या करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम पर्सन को एंटीबॉडी प्रोवाइड करेंगे टू आर डिजीज रादर द प्रोड्यूसिंग थ्रू हिज और हर ओन इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। वो कह रहा है कि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम पर्सन को एंटीबॉडी प्रोवाइड करेंगे, और ये डिजीज होगी ये प्रोड्यूस क्या करेगी, ये इम्यून सिस्टम को जाके प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो आज हमारा इम्यून सिस्टम कवर हो गया सारा।